ये देखिए रुई के से सॉफ्ट और स्पॉन्जी दही बड़े। जब पानी इसका निकाला तो कितना पानी अंदर से निकल रहा था आपने देखा। इसका मतलब कितने सॉफ्ट दही बल्ले हमारे बनकर तैयार हुए हैं। तो आज की हमारी रेसिपी है रुई के जैसे सॉफ्ट और नरम दही भल्ले बनाने का आसान तरीका। यानी आज मैं आपको अपने वीडियो में बिल्कुल सॉफ्ट दही भल्ले बनाना बताऊंगी। तो बिना स्किप किए मेरा वीडियो पूरा देखें। वेलकम टू कुकिंग शुकिंग विद प्रिया। आज हम बनाएंगे बिल्कुल सॉफ्ट दही भल्ले, तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। दही भल्ले बनाने के लिए हमें चाहिए 1 कप उड़द दाल। इस तरह बिना छिलके की उड़द दाल आती है, ये आसानी से मार्केट में मिल जाती है। तो 1 कप ये उड़द दाल हमें लेनी है। अब दाल के अंदर हम पानी डालेंगे और 2 से 3 घंटे तक इसे हम भिगो कर रख देंगे। उससे पहले हमें 2 से 3 बार इसको अच्छे से वॉश करना है। इसके ऊपर बहुत सा पाउडर लगा रहता है, उसको हमें निकालना है। उसके बाद हम पानी डालकर इसको 2 से 3 घंटे के लिए रख देंगे। आप देख सकते हैं दाल जो है फूल कर डबल हो गई है। अब इसे हमें मिक्सी के जार में पीसना है। जिस तरह वीडियो में आप देख रहे हैं, इस तरह हमें इसका पूरा पानी निकाल के ही पीसना है। पीसते समय यदि जरूरत हो तो थोड़ा सा पानी आप ठंडा इसमें डाल सकते हैं, लेकिन ज़्यादा पानी हमें इसमें ऐड नहीं करना है। इस तरह आप चम्मच की मदद से इसको निकाल के इसमें डालेंगे और इसका बैटर बनाना है हमें। इस तरह हमें इसका बैटर बनाना है। ज़्यादा मोटा भी नहीं रखना है, ज़्यादा बारीक भी नहीं करना। जैसा कि वीडियो में दिखाया, इतना गाढ़ा हमारा बैटर होना चाहिए, ये देख सकते हैं आप। तो बैटर को अब हम एक बाउल में निकाल लेंगे। और बाउल में निकालने के बाद एक सबसे मेन इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है सॉफ्ट दही भल्ला बनाने की, वो होता है इसको फेंटना। तो हमें खूब अच्छे से इसको फेंटना है। जितना आप फेंट सकते हैं उतना ही इसे हमें फेंटना है। फेंटते समय हमें एक बात का ध्यान रखना है कि आप जिस डायरेक्शन में फेंटे उसी डायरेक्शन में ही इसको फेंटना है। यानी कि वापस अपोजिट डायरेक्शन में इसको नहीं घुमाना है, क्योंकि इसकी जो सारी हवा भरी है ना, वो सारी हवा वापस से निकल जाएगी। तो इस बात का हमें ध्यान रखना है। ये स्टेप करना बहुत ज़रूरी है। इसी स्टेप से आपके दही बल्ले बिल्कुल रुई के जैसे सॉफ्ट और नरम बनेंगे। 1 टीस्पून मैंने इसमें नमक भी ऐड कर दिया है। नमक ऐड करके इसको हम अच्छी तरह से फेंटेंगे। फिर से 2 से 3 बार हमें इसको अच्छे से फेंटना है। जितना आप फेंट सको, जितना दम लगा सको उतना लगा देना। फेंटते फेंटते देखिए इसका कलर भी कितना लाइट हो गया है। तो चलिए अब हम दही बल्ले बना लेते हैं। तो दही बल्ले बनाने के लिए मैंने एक बाउल में थोड़ा सा पानी लिया है। पानी से हम हाथ को गीला करेंगे और थोड़ा सा बैटर हम उंगलियों पर लेंगे और इस तरह हमें छोटे छोटे से दही बल्ले बनाने हैं। बहुत से लोग जो है इसमें काजू और ड्राई फ्रूट्स भी ऐड करते हैं। जैसा कि मैंने आपको वीडियो में दिखाया, उसी तरह हमें काजू या कुछ भी आप चाहे तो ड्राई फ्रूट्स इसमें ऐड कर सकते हैं। तो चलिए गैस पे मैंने पैन रख दिया है। तो उसी तरह हम पानी का हाथ से गीला करेंगे और छोटा सा बैटर हम लेंगे और पैन के अंदर डालेंगे। तेल को पहले आप अच्छे से गर्म कर लीजिए। देखिए धुआं निकलने लग गया है, तो मैंने गैस की फ्लेम को कम कर दिया है। अब एक एक करके हमें दही भल्ले इसमें ऐड करना है। जितना पैन में आएगा उतना ही हम इसमें दही भल्ले डालेंगे। इस तरह हमें थोड़ा सा पानी का हाथ लगाना है, फिर बैटर लेना है और फिर पैन में डालना है। बहुत ही आसान है, आप आराम से इसको बना सकते हैं। अब दही भल्ले को हमें गोल्डन ब्राउन होने तक सेकना है। थोड़ा सा हम बीच में मीडियम फ्लेम पे भी इसको पकाएंगे, लेकिन एक बात का ध्यान रखना है कि दही भल्ले को हमें अच्छे से फ्राई करना है। यदि थोड़े से भी बीच में कच्चे रह गए तो कड़े हो जाएंगे और ज़्यादा दिन तक नहीं चलेंगे, तो इस बात का हमें ध्यान रखना है। एक एक करके मैंने बहुत सारे दही भल्ले पैन में ऐड कर दिए हैं। अब इन्हें हम पलट देते हैं। दोनों साइड से हमें गोल्डन ब्राउन होने तक सेकना है। दही भल्ले गोल्डन ब्राउन कलर के हो गए हैं, तो चलिए इन्हें अब हम एक प्लेट में निकाल लेते हैं और बाकी का बचा हुआ घोल भी हम इसी तरह निकाल लेंगे। सभी दही भल्ले को हमें ठंडा होने देना है। जब तक पूरा ठंडा नहीं हो जाता हमें इसका वेट करना है। जब ये पूरे अच्छी तरह से ठंडे हो जाएंगे तब हम करेंगे आगे का प्रोसेस। बाकी के बचे हुए दही भल्लों को भी हम फ्राई कर लेंगे और इन्हें निकाल लेते हैं और ठंडा होने देंगे। तो आप देख सकते हैं दही भल्ले हमारे ठंडे हो गए हैं। एक दही भल्ला मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ कितना रुई के जैसा सॉफ्ट और नरम दही भल्ला हमारा बनकर तैयार हुआ है। दबाने से ही पता पड़ रहा है कि दबाते ही वापस वो अपनी जगह पे आ रहे हैं कि कितने सॉफ्ट दही भल्ले हमारे बने हैं।
अब हमें दही भल्ले को पानी के अंदर डालना है, लेकिन सभी दही भल्ले हम पानी में नहीं डाल लेंगे क्योंकि बहुत सारे दही भल्ले हमारे बनकर तैयार हुए हैं। हम आधे दही भल्ले को ही पानी पिलाएंगे, बाकी के बचे हुए दही भल्ले को हम एयरटाइट कंटेनर में भरकर फ्रिज में रख देंगे, जिससे दही भल्ले हमारे 4 से 5 दिन तक ख़राब नहीं होंगे। तो जो बाकी के बचे हुए दही भल्ले उनमें हम पानी ऐड कर देंगे। तो काफ़ी पानी हमें डालना है, इतना डालना है कि दही भल्ले जो है पानी में अच्छे से डूब जाएं। इन्हें हाथ से हम प्रेस कर देंगे ताकि अच्छी तरह से इसमें डूब जाएं। तो 5 से 10 मिनट तक हमें इसमें रहने देंगे, उसके बाद हम इसे दूसरे बोल में डालेंगे और उसी प्रोसेस को दोबारा हम दोहराएंगे। यानी कि फिर से हमें इसको पानी के अंदर डालना है, लेकिन हमें पानी गुनगुना लेना है, इस बात का ध्यान रखना है। 10-15 मिनट के लिए आप दही भल्लों को इसी में छोड़ दीजिए ताकि ये पानी के अंदर अच्छे से सेट हो जाए और इनका जो सारा ऑयल है वो निकल जाए। तो दही भल्ले का अब हम दही सेट कर लेते हैं। तो दही को मैंने अच्छे से छान लिया है, आपको भी छानना है, हैंड मिक्सर से नहीं करना है, वरना क्या होगा कि दही बहुत पतला हो जाएगा। छानने से जो है दही हमारा गाढ़ा रहता है, आप देख सकते हैं। इस तरह में गाढ़ा दही लेना है और एक बात का ध्यान रखना, दही खट्टा नहीं होना चाहिए। अब दही भल्ले का दही बना रहे हैं तो इसमें जाएगी शक्कर, तो थोड़ी सी हम इसमें शक्कर ऐड कर देते हैं। तो आधा कप मैं यहाँ पर मोटी शक्कर ले रही हूँ 1 कप दही के अंदर। सभी को अच्छे से मिक्स करेंगे, आप चाहे तो बारीक शक्कर भी ले सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पर मोटी शक्कर ली है। तो इसको सेट होने के लिए 5 से 10 मिनट के लिए हम रख देते हैं, जब तक हम इसका मसाला तैयार कर लेंगे। अब दही भल्ले का मसाला बनाने के लिए 1 टीस्पून मैंने यहाँ पर लिया है सेका हुआ जीरा पाउडर। इसको तवे पे सेक के मैंने अधकचरा कर लिया है। 1/2 टीस्पून जाएगी लाल मिर्च पाउडर और इसमें जाएगा पुदीना पाउडर। तो 1 टीस्पून हम इसमें डाल देते हैं पुदीना पाउडर, सूखा पुदीना। 1/2 टीस्पून हम इसमें डालेंगे काला नमक और 1/2 टीस्पून ही हम इसमें डालेंगे खाने वाला नमक और थोड़ी सी हम इसमें डालेंगे हींग। हींग डालने से जो है मसाले का फ्लेवर अच्छा आएगा और दही भल्ले जो है खाने में बहुत ही टेस्टी बनेंगे। तो सभी को अच्छे से हम एक बार फिर से मिक्स कर लेते हैं। दही भल्ले भी जो है पानी में अच्छे से सेट हो गए हैं। ये देखिए मैं आपको दबा के दिखाती हूँ कितना सारा पानी इसके अंदर गया है, यानी कि ये सॉफ्ट रुई के जैसे बिल्कुल मुलायम बने हैं, इसीलिए इसमें पानी गया है, वरना ये पानी इसके अंदर इतना नहीं जाता। आप देख सकते हैं वीडियो के अंदर भी। आज हम बिल्कुल मार्केट स्टाइल में दही भल्ले को सर्व करेंगे। तो मैंने यहाँ पर पेपर बाउल लिया है, इसमें हम दही भल्ले को डालेंगे। हल्का हल्का हमें पानी इसको हाथ से निचोड़ना है, ज़्यादा दबा के हमें नहीं निकालना है पानी को। आप जैसा कि वीडियो में देख सकते हैं हल्का सा हमें इसको प्रेस करना है। तो दही भल्ले को मैंने पेपर बाउल में डाल दिया है, अब इसमें हम डालेंगे हमारा गाढ़ा दही। तो दही हम इसमें डाल देते हैं। दही के बाद हमें डालना है ग्रीन चटनी, यानी कि हरे धनिए की चटनी। हरे धनिए की चटनी कैसे बनाते हैं इसका वीडियो मैं आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप ज़रूर इस रेसिपी को देख सकते हैं। तो हरी चटनी डालने के बाद हमें इसमें डालनी है इमली की खट्टी मीठी चटनी, इसका वीडियो भी मैं आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, तो ज़रूर आप एक बार इसे ट्राई करें। ये चटनी भी महीने भर तक ख़राब नहीं होती है। कैसे इसको सेफ रखना है वो आप मेरे वीडियो में देख सकते हैं। साथ ही साथ हम उसमें ऊपर डालेंगे जो मसाला भी हमने बनाया था, वो मसाला हम इसमें ऐड करेंगे। कम ज़्यादा आप अपने स्वाद के अनुसार कर सकते हैं। तो देखिए कितने अच्छे और सॉफ्ट दही भल्ले हमारे बनकर तैयार हुए हैं, जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं। तो है ना बिल्कुल आसान दही भल्ले बनाना, बिल्कुल रुई के जैसे सॉफ्ट मुलायम दही भल्ले। तो ज़रूर आप एक बार इस रेसिपी को ट्राई करें, साथ ही साथ इस रेसिपी को शेयर ज़रूर करें। और यदि आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर दें, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक जल्द ही पहुँच सकें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। आपका दिन शुभ रहे।